आज मैं आपको 2005 की क्राइम थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है रिवॉल्वर। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसिनो में से एक में जाते हैं। मालिक अपराध बॉस डोरोथी मचा से बकाया पैसे वापस पाने के इरादे से उनके अंगरक्षक पॉल की सलाह की अनदेखी करते हुए वह जैक को अपने निजी गिरोह में शामिल होने की अनुमति देता है। ऊपर जाते समय जैक अपने क्लस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने में हिचकिचाता है, लेकिन अन्य अंगरक्षक उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें 20 मंजिल चढ़नी है। दरवाजों से बचने के लिए वह अंततः समर्पण करता है और लिफ्ट लेता है, जबकि उसे आतंक का दौरा पड़ता है। जैक की पहली शर्त एक चिप टॉस पर होती है जो वह टेबल पर एक अन्य खिलाड़ी के खिलाफ हार जाता है, लेकिन यह जानबूझकर है। वह मैच को झूठी सुरक्षा की भावना में डाल रहा है, इसलिए जब वह उसके साथ वही दांव लगाता है तो वह इस बार जीतता है। बिली और जैक अपने बैग्स में नकदी भरकर कैसीनो से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलते समय जैक उन्हें रोकता है और बताता है कि वे खतरे में हैं और वह उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद वह जैक को अपना कार्ड देता है। इस बार जैक सीढ़ियों का उपयोग करने का निर्णय लेता है, लेकिन एक कदम भी नीचे जाने से पहले वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है क्योंकि कार्ड कहता है कि लिफ्ट का उपयोग करें। जब जैक को अस्पताल ले जाया जा रहा होता है, मैच भी अपनी चिंता पॉल को व्यक्त करता है। जैक को 7 साल जेल में रहने के बाद बड़ी बदला लेने की इच्छा होनी चाहिए, खासकर अपनी भाभी के साथ हुई घटना के बाद। इसलिए मूचा पॉल को उसे मारने के लिए व्यवसाय में सबसे अच्छे हिटमैन को काम पर रखने का आदेश देता है। अस्पताल में जैक को बताया गया कि पहली नजर में बेहोशी का कोई कारण नहीं मिल सका, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए और खून की जांच के परिणामों का इंतजार करना चाहिए। बिली अपने घर जाता है जबकि जैक सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों को लेता है, लेकिन उनके पहुंचते ही सभी को गोली मार दी जाती है। वह केवल इसीलिए बच पाता है क्योंकि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है इसे उठाओ, तो वह ठीक ऐसा ही करने के लिए झुकता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पा रहा है कि वह कैसे झुका क्योंकि वह कभी नहीं झुकता, और सिद्धांत बनाता है कि किसी ने जरूर जैक को चेतावनी दी होगी। जब वह माचा को डांटते हुए बताता है तो वह कहता है कि उसने बुरा महसूस किया इसलिए चूक गया। इस बीच जैक जैक को अपने साथी एवी से मिलने ले जाता है जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल फाइल प्राप्त कर ली है। परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है जिससे उसकी मृत्यु 3 दिनों के भीतर हो जाएगी। पुरुषों ने जैक को अपनी सुरक्षा की पेशकश 2 शर्तों के बदले की जो अनिवार्य है। उसे उन्हें सारा पैसा देना होगा और वे जो कुछ भी कहें उसे करना होगा, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब देना भी शामिल है। उसे निर्णय लेने के लिए 3 घंटे देते हैं, लेकिन जैकी बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में उसे वही परिणाम मिलते हैं, लेकिन जसकीर एक बार फिर सोचता है कि लैब को जैक और एबी ने भुगतान किया होगा, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है। डॉक्टर जो उसे भी वही निदान देता है, ये सुनिश्चित करने के लिए उसे अपनी बंदूक से धमकी देने के बाद कि उसे कोई और भी पैसा नहीं दे रहा है। जैक मानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसा लेने के बाद वापस जाकर पुरुषों के सौदे को स्वीकार करता है। जैसे ही वे सवारी के लिए बाहर जाते हैं, एबी उनके लोन शार्क्स को समझाता है और यह जैक का पैसा होगा जिसे वे उधार देंगे। अपने पहले क्लाइंट से मिलने और पैसे देने के बाद एवी मांगता है कि जैक उसे अपनी मैच के साथ इतिहास के बारे में सब कुछ बताए। माची के पास पहले 3 बहुत बेवकूफ आदमी काम करते थे जिन्हें 3 एडीज कहा जाता था। वे एक बड़े खेल से पहले अपने कार्डमैन को खो चुके थे और जानते थे कि जैक एक अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए उन्होंने उसे बदलने के लिए बुलाया। जैक मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकी दी, इसलिए उसे उन्हें बचाने के लिए स्वीकार करना पड़ा। हालांकि खेल के दौरान टेबल पर अन्य लोग जैक और उसकी माँ का अपमान करने लगे, जैक इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसा गायब हो गया, और अगली बात जो उसे पता चली, किसी ने उसका नाम लिया और जैक से पुलिस पूछताछ कर रही थी। उसे बात करने से रोकने के लिए उन्होंने उसकी भतीजी को धमकी दी और गलती से उसकी भाभी को मार डाला जब उसने अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश की। जैक ने पुलिस को नहीं बताया कि माचा ने खेलों का आयोजन किया था और उसे 7 साल की जेल हो गई। उस समय के दौरान एडीज ने माचा को किसी तरह से नाराज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उन्हें कंक्रीट के रूप में इस्तेमाल किया। कई ग्राहकों से मिलने के बाद जैक ने जैक को एक मोटल में ठहरने के लिए भेजा। इस बीच माचा और पॉल अपराध सम्राट सैम गोल्ड से मिलते हैं, जिन्हें अन्य सभी अपराध सरदारों का आदर्श माना जाता है। हालांकि गोल्ड कभी भी आगंतुकों का स्वागत नहीं करता, इसलिए इसके बजाय वे उसके सलाहकार लिली वॉकर से मिलते हैं जो मैच के साथ पाउडर सौदे की दलाली करने के लिए सहमत होती है। वह उसे यह भी याद दिलाती है कि गोल्ड को प्रचार पसंद नहीं है और दूसरा मौका नहीं देता। कुछ समय बाद जैक जैक और एवी को अधिक पैसे देता है, इससे पहले कि उसे जेल में अपने समय के बारे में पूछा जाता है, जबकि वह एवी के साथ शतरंज खेलता है। जैक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल का सामान्य समय या 7 साल का एकांतवास, इसलिए उसने एकांतवास चुना। उसका सेल 2 आदमियों के बीच था, एक शतरंज का मास्टर और एक ठग जो लंबे समय से वहां थे, और जबकि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जैक की सजा के पहले 5 वर्षों के दौरान वे तीनों पुस्तकालय की किताबों पर लिखे संदेश भेजकर संवाद करते थे, और इसी तरह जैक ने किसी भी खेल को जीतने का उनका सूत्र सीखा। 2 आदमी जेल से भागने की योजना बना रहे थे
और उन्होंने जेक को अपने साथ ले जाने का वादा किया, लेकिन जब वे अंततः चले गए तो बिना कुछ कहे गायब हो गए और जेक को पीछे छोड़ दिया। जब वह 2 साल बाद रिहा हुए तो उन्हें पता चला कि उन 2 लोगों ने उनका सारा पैसा ले लिया था और केवल एक नोट छोड़ दिया था जिस पर लिखा था, आप केवल एक समझदार खेल खेल कर ही समझदार बन सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी। इसलिए जैक ने विभिन्न कसिनों में खुद को समृद्ध बनाने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं, जैक उसके साथ काम करता रहता है, विभिन्न क्लाइंट से मिलना और अपना पैसा देना। वह उन्हें धमकी देने वाला है कि अगर वे भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वह निर्दोष हताश लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बीच अभी और जैक ट्रक से दीवार के किनारे को चेन कर रहे हैं ताकि जब वे खींचें तो वे दीवार को तोड़ दें और दूसरी तरफ सेफ चुरा लें। इस सुरक्षित में वह पाउडर है जो मैच को लिली के लिए चाहिए था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है तो वह पॉल को किसी भी कीमत पर इसे हल करने के लिए भेजता है। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी ट्रायड किंगपिन लॉर्ड जॉन से मिलने जाता है, जो इतनी कम सूचना पर उन्हें पाउडर देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल अत्यधिक कीमत पर। जेक, जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल जाते हैं जहां लेन देन होगा। वे बदमाशों के पास वाले कमरे में चुपके से घुसते हैं, दीवार में एक छेद बनाते हैं और नींद की गैस इंजेक्ट करते हैं, जिससे मैचा और जॉन दोनों के आदमियों को नींद आ जाती है। फिर वे पैसे और पाउडर चुरा लेते हैं और इसे ऐसा दिखाते हैं जैसे माचा ने जॉन को लूटा हो और इसके विपरीत। कुछ समय बाद जैक को बिली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने इधर उधर पूछताछ की है और पता चला है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि उनसे सोना भी नहीं लेता, इसलिए जैक को वहां से निकल जाना चाहिए। वह मना कर देता है और इसके बजाय एवी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है इससे पहले कि एवी उसे बेहोश कर दे। जैक घंटों बाद मोटल में जागता है और एबी का एक कॉल आता है जिसमें कहा गया है कि उसने अपना 3रा दिन बचा लिया है, इसलिए उसे एक चेकअप करवाना चाहिए। जैक की भतीजी और बिली द्वारा उससे मिलने के बाद, जो उसे एहतियात के लिए एक बंदूक छोड़ जाता है, जैक अपने डॉक्टर से मिलने जाता है जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जैक ठीक है। वह अभी को कॉल करने और जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अभी केवल कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल ने जानकारी इकट्ठा की है और जैक का नाम उन सभी समस्याओं में शामिल के रूप में सामने आया है जिससे उनके लोग गुजर रहे हैं, इसलिए मूचा उसे मारने का आदेश देता है। जब जैक मोटल लौटता है तो एवी और जैक उसके लिए इंतजार कर रहे होते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि मंच के गुंडे कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैक भाग जाता है और लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उन्हें चकमा देने में सफल हो जाता है, खासकर जब एक गुंडा फिसल जाता है और गलती से खुद को गोली मार लेता है। दूसरे अपराधियों को शव मिलते हैं और उन्हें लगता है कि यह जैक ने किया है। जैक एवी और जैक से उनके कार्यालय में मिलने जाता है जहां वे स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा जानते थे कि जैक ने उन्हें यतियों के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। वे 3 जोकर जेल से बाहर आने पर जैक की हत्या करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो उसने किया उसके कारण उन्हें माचा द्वारा निकाल दिया गया था। अपनी जान बचाने के लिए उसने यति को एक समझौता पेश किया, हर महीने वह उन्हें किसी भी पैसे का 3% देगा जो वे उन्हें उधार देंगे। पहली बार केवल एक एडी ने इसके लिए सहमति दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना सौदा रखा तो वे सभी इसमें शामिल होना चाहते थे, इस बार 4% के लिए। सच में जैक एक एडी की पैसे से दूसरे एडी को भुगतान कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खो रहा था। ये एक बिंदु पर आ गया कि उनके पास उधार देने के लिए और पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो जल्दी ही एडी के रहस्यमय मनीमेकर आदमी में रुचि रखने लगे। फॉर्मूला के साथ जुआ खेलकर और खुद को अमीर बनाकर जैक ने उस समय अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टी पर जाने का फैसला किया और उसी समय माचा ने यतियों को मार डाला क्योंकि उन्होंने उसे वापस भुगतान नहीं किया था। मैचा की बात करें तो वह एक शानदार रेस्तरा में रात का खाना खा रहा है जब उसके गुर्गे उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि जैक भाग गया। सोटा जॉन की प्रेमिका को वेट्रेस होने का नाटक करते हुए पहचानता है, इसलिए वह उसे उसके ड्राइवर के पीछे जाने के लिए रेस्टोरेंट छोड़ने से पहले गोली मार देता है। हालांकि उसका निशाना अभी भी चूक रहा है और वह केवल उसे घायल कर पाया, मार नहीं पाया। तो मरने से पहले महिला हंगामे के बीच में मंचा की उंगली पर गोली चलाने में कामयाब हो जाती है। फिर सॉर्टर को लॉर्ड जॉन के छिपने के स्थान पर भेजा जाता है ताकि वह उसे और उसके आदमियों को मार सके। वापस जैक की तरफ, वह अब भी जैक और अभी से बात कर रहा है जबकि वे छत पर गोल्फ खेल रहे हैं। वे उसे समझाते हैं कि कोई भी कभी भी सोने को नहीं देखता क्योंकि वह वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, वह केवल अहंकार का प्रतिनिधित्व और लालच का व्यक्तिकरण है, उसका केवल उन्हीं पर प्रभाव है जो उसमें निवेश करते हैं। तो जैक को जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि वह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए किन नियमों की अनुमति देता है उन्हें बदलना। इसके बाद जैक बैंक से अपनी बाकी की सारी धनराशि निकालता है और इसे दान कर देता है और फिर मंच के शयन कक्ष में चुपके से प्रवेश करता है। अपने अहंकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सिर में आवाजों से लड़ते हुए जैक माचा से उसके पैसे चुराने के लिए माफी मांगता है, उसे श्रेष्ठ अपराध नेता के रूप में स्वीकार करता है और माचा को अकेला छोड़ देता है। भगवान और उसे बताता है कि उसने उसके नाम पर दान दिया है और फिर छोड़ देता है। अपने डर का सामना करने के लिए जैक एलिवेटर लेता है जो 13वीं मंजिल पर फंस जाता है।
घबराहट के दौरे को दूर करते हुए वह अपने मन में एक बातचीत करता है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार करता है। अंततः एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में खेल से बाहर निकलता है। जैसे ही लिफ्ट फिर से काम करने लगती है, जैक नीचे की मंजिल पर पहुंचता है और माचा को बंदूक के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है, जो अपने अहंकार से पागल हो गया है। हालांकि जैक अपने आप से शांति में है और बस उसके पास से गुजरता है, जो माचा को पागल कर देता है क्योंकि वह समझ नहीं सकता कि कोई उससे क्यों नहीं डरता। वह रोने लगता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसे कितनी बुरी तरह से अपमानित किया गया है। अगली सुबह पॉल सभी स्थानीय समाचार पत्रों को मैच के लिए लाता है ताकि वह अपने नाम को उनमें चिपका हुआ देख सके। जैक झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने मंच के नाम से दान किया है और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक समुदाय की परवाह करता है। माचा को श्रेय लेने में खुशी है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए होती है। पॉल उसे यह भी बताता है कि जैक के पास पाउडर है और वह शुरू से ही सबको बेवकूफ बना रहा था। पॉल सॉर्टर और माचा के बाकी गुर्गे बिल्ली से मिलने जाते हैं, जो अपने अंगरक्षकों में से एक के साथ विश्वासघात होने पर अपनी बेटी को कपबोर्ड में छिपाने का प्रबंधन करता है। जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो पुरुष उसे चोट पहुंचाने लगते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ये नहीं मानते कि जब वह कहता है कि उसे नहीं पता जैक और पाउडर कहाँ है। पॉल के तरीके तेजी से बढ़ रहे हैं और सॉर्टर असहज महसूस करने लगता है, खासकर जब वे लड़की को कपबोर्ड से बाहर निकालते हैं, जब वे उसकी सिसकियां सुनते हैं। एक बच्चे को नुकसान पहुंचाने से इनकार करते हुए सॉर्टर अपना अहंकार छोड़ देता है और अपने साथी गुर्गों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से मारना शुरू कर देता है, लेकिन वह अंत में गलती करता है और मारा जाता है। इस बीच माचा से मिलने लिली आती है। वह उसके लिए गोल्ड द्वारा भेजा गया माल्यार्पण लाती है, जो माचा का नाम हर जगह अखबार में देखकर खुश नहीं है क्योंकि उसे प्रचार पसंद नहीं है। लिली उसे यह भी बताती है कि माचा का समय खत्म हो गया है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिससे वह फिर से घबराहट में आ जाता है। अवी और जैक जैक और पाउडर को मोचा के कैसीनो में ले जाते हैं, जहां अवी अंततः शतरंज के खेल में जैक को हरा देता है और कहानी के बाकी विवरणों को स्वीकार करता है। वह और जैक जैक की कोठरी के पास वाले पुरुष थे और वे हमेशा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह दर्शाता है कि वे जैक की कल्पना के सिवाय कुछ नहीं थे। दुर्भाग्य से उसके पास इसे समझने का समय नहीं है, क्योंकि उस समय कैसीनो के बॉडीगार्ड उसे माचा से मिलने के लिए ले जाते हैं, जिनके पास लड़की है। पाउडर के बैग को फर्श पर गिराने के बाद जैक अपनी भतीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि जैक अभी भी कोई डर नहीं दिखा रहा है, यहां तक कि जब वह बच्चे पर बंदूक तान रहा है। अपमान के कारण मंचा के मन में अहंकार की आवाजें इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जैक एक मृत आदमी को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह बंदूक को अपने सिर पर रखता है और गोली मारता है।